सात्वेगी, मैं आपका समरी अंशी नेगी। तो चलो इतने ब्लॉग को शुरू कर दें। गाइस अभी हो रहा सुबह का टाइम, आज हमारे मामा की शादी है, नहीं कल शादी है, आज मेहंदी है, हल्दी और कीर्तन होने वाला है। तो अभी हम लोग सुबह उठ के सब तैयार हो चुके हैं, पीला पीला पहन के, और आज ही मेहंदी भी होने वाली है, तो आपको शायद दो ब्लॉग भी देखने को मिले। और हमारी 3 दिन की छुट्टियां भी पड़ रखी है, तो हमारी छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं हमें। गाइज मैं आपको एक एक करके सबका लुक दिखाती हूँ। सबसे पहले मम्मी का लुक, इस साइड आओ गाइज, ये देखो, ये इधर आओ, इधर दोनों इधर आओ। इन दोनों के पास सेम सेम ड्रेस है, कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ। हेयर बैंड भी इनके पास सेम है। गाइज आज हम लोग बहुत सारा फन करने वाले हैं, और सबने पीला पहना है। अभी तो टेंट ही लगा है, फिर हम लोग नीचे भी जाने वाले हैं, तो इसी चीज की हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। और जो मामा का घर है वो स्कूल के ठीक बगल पे है, तो वहीं जाने वाले हैं हम। और कैसी लग रही हूँ गाइज? गाइज अभी मैं स्वेट में चश्मा पहन लिया है मैंने, और ये हम लोग ले जाएंगे नीचे थोड़ा सा शूट करने के लिए अपनी फोटोज को। तो अब सीधा वहीं मिलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ की। गाइज अभी नीचे ढोल दमों की आवाज़ आ चुकी है, तो हम लोग जल्दी से जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि मामा लोग घर पे आए थे बहुत सारे सालों बाद, तो इसीलिए थोड़ा मिलने में टाइम लग गया, लेकिन हम जल्दी जल्दी चलते हैं। पहुंच चुके हैं, और ये हमारी स्कूल, स्कूल के बगल में जो घर है वहीं पे है हमारे मामा का घर। और यहाँ पीछे लग चुका है टेंट, रात में यहीं पे होने वाली है मेहंदी। तो मम्मी इनका वेट करते हैं, देखते हैं कब तक होगी मंगल स्नान, क्योंकि अब पास में ही है बारात। जा रहे घर की तरफ। गाइज अभी रात का टाइम हो रखा है, मेरी हालत भी गंदी हो रही है, मैं जा रही खाना लाने के लिए चाचा के लिए, चाचा को ड्यूटी पे जाना है। मेहंदी के तैयार होके हम बाद में आएंगे, और अभी इतना अंधेरा हो गया है, मेरे को अकेला ही जाना है, अकेला ही आना है। मैं आपको डेकोरेशन बताती हूँ पीछे से कैसी नज़ारा है। तो गाइज ये है रास्ता, ये हमारी स्कूल है यहाँ पे, और ये है मामा का घर, एकदम चमका हुआ है, और ये यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। तो कैटरिंग का सिस्टम है आई थिंक, हाँ वही है। तो जल्दी से चलती हूँ मैं, पहुँच चुके मैं यहाँ पे, ये है कैटरिंग का सिस्टम। अभी खाना रखा नहीं है यहाँ पे, बट ऐसा है कुछ।
और ये है यहाँ पे कि वो है स्टेज लगेगा, और ये देखो गाइस ये है घर, प्यारा सा मस्त लग रहा है ना गाइस। अभी हो रहा है रात का टाइम, अभी हम लोग हो चुके हैं तैयारी है हमारा आउटफिट आज का, और अभी नीचे पे ढोल ढमो मतलब बजने की आवाज़ आ चुकी है। तो अब हम थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं सीधा नीचे डांस करने के लिए। खाना वाना हमने सब कुछ खा चुके हैं, और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये दिख ही नहीं रहा है यार, इसकी मेन चीज जो इस चुन्नी है ना, इसमें देखो कितने मस्त मस्त वो लगे हैं। आ जाओ ये दोनों, गाइस अभी हम लोग इतनी आधी रात में मेहंदी के लिए निकल रहे हैं, मैं और हम चार लोग हैं मस्त सवर धवर, तो जल्दी चलते हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आपको कैसा लग रहा है? मम्मी देखो तैयार हो चुकी है एकदम। आपको कैसा लग रहा है? लिली बुआ आज हमारे घर आई है, और इतने रात रात। हाँ बुआ चार साल, कैसे आ रहे हो? आवाज़ आ रही है ना नींद नहीं आ रही, डर भी लग रहा है काफ़ी। गाइस अभी हमारे कुछ क्यूट से फैंस मिले हैं, लगा रहा। अभी चल रहा है मेहंदी सेरेमनी, और मैंने लगाई है ये मेहंदी ब्यूटीफुल सी, आगे पे दूल्हे राजा को मेहंदी लग रही है, और यहाँ पे सभी लोग मेहंदी लगा रहे हैं। अभी रात का टाइम हो रहा है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और बहुत ज़्यादा रात हो गई, कुछ ज़्यादा ही मतलब अभी तो बहुत जल्दी जा रहे हैं हम, 11 बज चुकी है तो। बट रास्ते में देख सकते हो अंधेरा इंदर, ये है जवान नगर। ओ माय गॉड, क्या वे थोक लगी तो नाची नाची